यंगस्टर्स में बिगिनर हो, एमेच्योर प्लेयर हो या कोई प्रोफेशनल हो, हर किसी में बहुत क्रेज होता है कि बहुत तेज शॉट मारे, लंबे लंबे छः मारे। जब हम यंगस्टर थे हम भी खेलते थे, हमें भी लगता था कि हम तेज शॉट मारे, लंबे लंबे छः मारे। हमसे पहले के प्लेयर वो भी करते होंगे, पर सही मायने में जो सही रूप है इस तेज शॉट मारने का और लंबे लंबे छः मारने का, ये शुरू होता है 2007 के T20 वर्ल्ड कप में और उसके नेक्स्ट ईयर ही 2008 से जब IPL शुरू हुई। इन दो इवेंट्स के बाद से तो यंगस्टर्स में इतना क्रेज आ गया कि हमें तेज शॉट मारना है और लंबे लंबे छः मारने, क्योंकि टेलीविजन पे, मीडिया पे हर मैच की कवरेज है और आप देखते हैं बहुत इजीली अवेलेबल होता है वो। आज हम तेज शॉट कैसे मारें, लंबे लंबे छः कैसे मारें, उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश चोपड़ा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ। आज हम तेज शॉट कैसे मार सकते हैं, लंबी लंबी हिट कैसे मार सकते हैं, लंबे लंबे छः ग्राउंड के बाहर कैसे मार सकते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो बहुत लंबा छः मारे, ग्राउंड के बाहर मारे, उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। बहुत तेज शॉट मारने के लिए और लंबे लंबे छः मारने के लिए सिर्फ चार पॉइंट्स की ज़रूरत है। वो चार पॉइंट हैं, पॉइंट नंबर एक आपकी हाई बैकलिफ्ट, पॉइंट नंबर टू आपकी हैंड स्पीड मतलब बैट की ज़्यादा स्पीड, पॉइंट नंबर थ्री आपके दोनों शोल्डर की वर्टिकल रोटेशन शॉट की डायरेक्शन में, और पॉइंट नंबर फोर आपका फुल एंड कंप्लीट फॉलो थ्रू। ये चारों पॉइंट हम अपनी इंटरनेशनल स्टूडेंट आयुषी सोनी उसके थ्रू आपको दिखा रहे हैं। फ्रेंड्स, हम पहला पॉइंट कर रहे हैं बैकलिफ्ट का, हाई बैकलिफ्ट का, क्योंकि तेज शॉट के लिए, लंबे लंबे छे के लिए ये वाला पॉइंट बहुत ही जरूरी है। इसको ध्यान से देख लीजिए, हम स्टार्स पोजिशन में हैं, ये हमारी बैकलिफ्ट जा रही है। अब यहाँ पे कई बैटर्स गलती करते हैं, जो गलती आपको नहीं करनी। वो क्या करते हैं, यहीं से ये देखिए, ये उनकी एक किस्म की हाई बैकलिफ्ट होगी, ये पूरी नहीं है। क्यों कि जो एल्बो का आप टिप देख रहे हैं, ये देखिए एल्बो का टिप, ये अभी बॉडी से इधर को है, आगे को है, हमें इसी को पुश करना है। ये देखिए पुश करेंगे, ये देखिए पुश किया हमने, बैट देखिए कितना हाई लीवर पर चला गया है, ये यहाँ से लंबा लीवर आएगा और यही आपकी बैट की स्पीड में हेल्प करेगा। इसको फिर वापस देख लीजिए, यहाँ से आप अपनी एल्बो की टिप को थोड़ा पीछे को पुश करेंगे, ये देखिए पीछे को पुश करेंगे इस हिसाब से कि एल्बो का टिप आपकी जो नेवल होती है, नाभि होती है, उसको क्रॉस कर जाए, क्रॉस करते ही आपका बैट ऊपर चला जाएगा। ये ध्यान रखिए आप, ये है आपकी हाई बैकलिफ्ट। अब इसके लिए ड्रिल क्या है, ड्रिल देख लीजिए, इसमें पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। अगर आप अकेले कर सकते हैं अपने आप से बात करके कि अपनी एल्बो की टिप को पुश करो बात कर करके, नहीं तो पार्टनर हो, मैं समझ लो आयुषी का पार्टनर हूं, मैं करके दिखा रहा हूं कैसे होगा। देखिए आप, ये हमारी एल्बो यहां रुकी हुई है, आप देखना कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ मैं एल्बो को हिलाऊंगा, उसका रिजल्ट क्या होएगा, एल्बो को पीछे पुश करते ही बैट की जो टो पॉइंट है हाई चली जाएगी। दूसरा एक्शन जो होगा, फ्रंट शोल्डर नीचे को आएगा और जो बैक शोल्डर है ये ऊपर चला जाएगा, ये दो पॉइंट इकट्ठे होंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखिए हम एल्बो के टिप को पीछे पुश करेंगे, पीछे पुश करते ही शोल्डर नीचे आता है, एल्बो पीछे को जाती है, ये शोल्डर ऊपर जाता है और टो एंड जो है ये ऊपर चला जाता है। आप इसको देखिए, आपका पार्टनर जो होगा क्या करेगा, पुश करेगा, ये पुश, फिर देखिए ये पुश, फिर देखिए हाथ से पुश। अब हम ट्रेन हो गए, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, हम अपने आप को कहेंगे पुश योर एल्बो, अपनी एल्बो को पुश करो, अपनी एल्बो टिप को पुश करो, अपने आप बात करेंगे। चलिए ये देखिए, हम अपने आप से बात करके अपने आप कर रहे हैं। फिर देखिए, अभी देखिए नोट करिए एल्बो के टिप को कहाँ है, ये जब हम इसको पुश मारेंगे तो कहाँ जाता है, देखिए आप, ये देखिए करते ही बैट ऊपर। अब इमेजिन करिए कि इस हाई लीवर से स्वीट पार्ट है, यहां से जब बैट स्पीड से नीचे आएगा कॉन्टैक्ट होगा, कितना लंबा लीवर बन रहा है। अब हम अपना पॉइंट दूसरा कवर कर रहे हैं, हैंड स्पीड, बैट की स्पीड। अगर हाथों की स्पीड तेज है तो ऑटोमेटिकली बैट की स्पीड हो जाएगी, अब हैंड स्पीड है क्या वो देख लीजिए। हम शुरू कर रहे हैं हाई बैकलिफ्ट से, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है बैकलिफ्ट का। यहां से आपका पैर बाहर निकल रहा है कॉन्टैक्ट के लिए, बैट नीचे आ रहा है, आप देखिएगा इसका लीवर कितना लंबा होता है, स्पीड देखिए बैट की, ये है हैंड स्पीड। इसको एक बार फिर नोट कर लीजिए, ये देखिए हाथों की स्पीड
बैट का स्पीड से आना। अब इसकी ड्रिल्स कौन कौन सी हैं, इसके लिए मेनली हमें हमारी फोर आर्म स्ट्रांग चाहिए। हम फोर आर्म को स्ट्रांग करने के लिए कौन कौन सी ड्रिल कर रहे हैं, तभी आपकी बैट की स्पीड तेज आएगी, तभी आपका शॉट पावरफुल लगेगा। इनको स्ट्रांग करने का, आपके फोर आर्म मसल्स को स्ट्रांग करने का तरीका देख लीजिए। इसकी डिफरेंट आपको दो तीन ड्रिल बता रहा हूं। ये देखिए, पहली ड्रिल है, दो बैट हमारे हाथ में है, हम हाईएस्ट पॉइंट पे लेके जाएंगे बैकलिफ्ट को, फुल फॉलो थ्रू में जाएंगे, और ऐसे में हमारे फोर आर्म मसल्स जो कि बहुत जरूरी हैं, ये मसल ट्रेन हो रहे हैं, ये मसल स्ट्रांग हो रहे हैं। देखिए कैसे होता है। फिर कर दीजिए एक बार फिर कर दो। अब आप देखो, अगर ये बैट 1150 ग्राम का है एक बैट, तो दोनों बैटों का जो वेट है वो 2300 ग्राम हो गया, तकरीबन 2.5 किलो। इसकी दूसरी ड्रिल कौन सी है, आप 2.5 किलो का डंबल लें, डंबल लेके उसे रिस्ट कर्लिंग करें, उससे जब रिस्ट कर्लिंग करेंगे तो आपके जो फोरआर्म मसल्स हैं ये स्ट्रांग होंगे। मैं करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, 2.5 किलो का मेरे हाथ में डंबल है, मैं ये कर रहा हूँ, देखो ये रिस्ट कर्लिंग है, ये रिस्ट कर्लिंग है। तो आप ध्यान रखिए, ये जो मेरे फोरआर्म मसल्स हैं ये वर्क कर रहे हैं। ये देखिए, इस मसल को ध्यान रखिए, ये देखिए, ये रिस्ट कर्लिंग है। ऐसे करेंगे, ऐसे ही आप दूसरे हाथ की भी कर सकते हैं, दोनों हाथों की रिस्ट कर्लिंग करेंगे आप 10 से 15 रेपिटेशन और 3 सेट और आपकी ड्रिल हो गई। इसके बाद गड्ढा खोदने का सब्बल होता है, एक लोहे की रॉड होती है, वो आम घर में पाई जाती है, नहीं है तो कहीं से आप जितना मोटा बैट का हैंडल है, इतनी मोटी कोई स्ट्रांग सी लकड़ी जो 2-2.5 किलो की कम से कम हो, या लोहे की रॉड जिसको हम सब्बल बोलते हैं वो हो। हमारे पास अभी सब्बल है, हम उसी से करके दिखा देते हैं आपको। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, हालांकि इसका थोड़ा सा हैंडल जो है, हैंडल के मुकाबले में इसका जो गोलाई है वो थोड़ी सी कम है, पतला है ये, बट फिर भी काम करेगा। हमारा मतलब मेन है हमारे शोल्डर मसल, हमारे फोर आर्म मसल, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फोर आर्म मसल बहुत ज़रूरी हैं आपके तेज शॉट के लिए। उस यहाँ भी आप फुल बैट स्विंग, हाई बैक लिफ्ट वो करेंगे और हाथों की स्पीड से आएंगे, इसके भी आप ड्रिल कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपने बैट स्पीड के लिए, हैंड स्पीड के लिए, ताकि हमारा शॉट तेज जाए और छक्के लंबे लंबे लगें, उसके लिए आपने फोर आर्म मसल को स्ट्रांग करने का देख लिया। अब थर्ड पॉइंट है हमारा, दोनों शोल्डर की वर्टिकल रोटेशन शॉट की डायरेक्शन में, दोनों शोल्डर का जाना, इसकी ड्रिल भी करके बता रहा हूँ। आप देख लीजिए, पहले हम फ्रंट एंगल से ले रहे हैं, कैमरे की तरफ ड्राइव होगा ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि दोनों शोल्डर कैसे एक लाइन में आ रहे हैं। ये देखिए, अब हम मान लीजिए कि यहां से हम ऑफ ड्राइव खेल रहे हैं, तो हमारे शोल्डर देखिए ऑफ साइड में गए, ये शोल्डर और बैक शोल्डर दोनों ही एक लाइन में हैं, और ये जब जाएगा तो ऐसे में आप बॉल की लाइन के थ्रू खेलते हैं, शॉट की डायरेक्शन में आपकी बॉडी जा रही है, तो बॉडी की पूरी फोर्स शॉट में जाती है। अब इमेजिन करिए, आपके बैट की हाई स्पीड प्लस आपकी बॉडी की फोर्स जब शॉट में जाएगी तो शॉट की तेजी क्या होगी, आप देखिए जरा। अब इसकी ड्रिल क्या है, ड्रिल देख लीजिए। ये देखिए, ये बैट मेरे हाथ में है, आप बैट ले सकते हैं या कोई ऐसी एक लकड़ी ले सकते हैं, बैम्बू हो सकता है, कोई और लकड़ी हो सकती है, बस स्ट्रेट हो, उसमें कर्व ना हो, जैसे बैट सीधा है बिल्कुल। ये देखिए, हमने ये दोनों शोल्डर पे बैट टिका दिया। अब देखिए, जो शोल्डर बैट की डायरेक्शन है वो कहाँ जा रही है, सीधी जहाँ होनी चाहिए। अब हम खेल रहे हैं ऑफ ड्राइव, देखिए आप, ये देखो अब कहाँ बैट पहले यहाँ था, यहाँ से ये चला गया। अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब आपके शोल्डर की वर्टिकल रोटेशन होने वाली है। इसका दूसरा पार्ट हम देख लेते हैं, फुटवर्क आएगा ये देखिए, और शॉट लगेगा। इसको फिर एक बार देख लीजिए आप, अभी दोनों शोल्डर की डायरेक्शन बॉलर की तरफ है। अब हम खेल रहे हैं ऑफ ड्राइव, ये देखिए
अब बैट चला गया मिड ऑफ की तरफ, अब यहीं से दोनों शोल्डर वहीं जा रहे हैं, ये इसको कहते हैं शोल्डर्स की वर्टिकल रोटेशन। हमने दो पावर मिक्स कर दी, दो पावर को मिला दिया। पहली पावर आपके बैट की स्पीड हाई बैक लिफ्ट के थ्रू, और फिर स्ट्रॉन्ग डाउन स्विंग आपकी, यहाँ बैट की स्पीड हो गई, और दूसरा आपके दोनों शोल्डर की वर्टिकल रोटेशन। हम दोनों शोल्डर की वर्टिकल रोटेशन के लिए एक ड्रिल कर रहे हैं जहाँ पे हम बैटर को अंडरआर्म फीड करेंगे। और ये देखिए दो कोन हैं जिनकी डायरेक्शन ऑफ ड्राइव की है, दोनों कोन की दूरी 3 से 4 फुट की है, और दोनों कोन बैटर से तकरीबन 7 फुट 8 फुट की दूरी पे हैं। हम अंडरआर्म फीड करेंगे, आप देख लीजिए ऑफ ड्राइव कैसे होती है, और आप शोल्डर को नोट करिएगा कितनी बढ़िया वर्टिकल रोटेशन आती है शोल्डर्स की। ये देखिए फुल फॉलो थ्रू, पावरफुल हिट। देखिए आप नोट करिए दोनों शोल्डर की वर्टिकल रोटेशन। मैं बार बार जोर क्यों दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि यहीं से आपकी बॉडी की फोर्स और आपके बैट की स्पीड ये मिलकर आपको शॉट में तेजी देने वाले हैं। ये आपने देखी दोनों शोल्डर की वर्टिकल रोटेशन के लिए जो हमारी ड्रिल्स थी। अब हमारा लास्ट पॉइंट चल रहा है फुल फॉलो थ्रू। देखिए फुल फॉलो थ्रू जरूरी क्यों है, फुल फॉलो थ्रू एक निशानी है कि आपके बैट की स्पीड आई है। अगर ये बैट एक्सटेंशन में शॉट को फॉलो कर रहा है और आपके हाथों और आर्म की हेल्प से फ्रंट शोल्डर के ऊपर फिनिश कर रहा है, इसका मतलब आपके बैट की स्पीड प्रॉपर आ गई, आपने वही फोर्स शॉट में डाल दी, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच शॉट बहुत तेज गया या 6 मारा है तो लंबा ग्राउंड के बाहर ही गया है। वो देख लीजिए फुल फॉलो थ्रू कैसे होता है, फिर बताऊंगा आपको कि अगर हमारा फॉलो थ्रू पूरा नहीं होगा उसका हमें नुकसान क्या होने वाला है, वो भी बताऊंगा। ये देखिए शुरू हो रहा है हाई बैक लिफ्ट से, हाई बैक लिफ्ट। लीवर पे ध्यान दीजिएगा, लीवर पे ध्यान दीजिएगा पूरा, कहां से चल के पूरा कहां फिनिश हो रहा है वो देखिए आप। अब इसका एंगल हम चेंज करते हैं, एक साइडवेज एंगल से दिखा रहे हैं, वो देख लीजिए आप। अब चूक कहां होती है, कहां हमारे जो बैट की स्पीड में एक्सेलरेशन होता है, स्पीड तेज होती है, वो होती है ऊपर से लेके हिट, और हिट के बाद आपका कंप्लीट फुल फॉलो थ्रू। चूक कहां होती है, जहां पे हम बैट में स्पीड डालने की बजाय फॉलो थ्रू लेते नहीं हैं, यहां आपके बैट की स्पीड चेक हो जाएगी, या तो खत्म हो जाएगी या धीमी हो जाएगी। रिजल्ट क्या निकलेगा, शॉट इतना तेज नहीं जाएगा, और 6 मारेंगे तो बॉल भी क्लियर नहीं होगी। वो क्या होता है, फॉलो थ्रू कंप्लीट नहीं होता, फुल फॉलो थ्रू नहीं होता, हम बैट को चेक कर जाते हैं, शॉट को चेक कर जाते हैं, और बैट हमारा यहीं रुक जाता है। चेक ड्राइव भी होती है, पर यहां हम बात कर रहे हैं तेज शॉट मारने की। चेक ड्राइव के थ्रू आपका शॉट तेज नहीं लगने वाला, कई लोग तो चेक ड्राइव से 6 भी मार देते हैं, वो टाइम भी पे डिपेंड करता है, वो शॉट की टाइमिंग ही ऐसी होती है, शॉट की सिलेक्शन ही ऐसी होती है, पर यहां हम बैट की स्पीड हाई बैक लिफ्ट और फुल फॉलो थ्रू उसकी बात कर रहे हैं। अब देख लीजिए जब फॉलो थ्रू शॉट होता है तो रिजल्ट क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपके बैट की स्पीड या तो कम हो जाएगी या होगी ही नहीं, ना तो शॉट तेज जाएगा, ना ही आपका 6 लंबा जाएगा, ना ही आपका शॉट ग्राउंड को पार करेगा। अब ये देखिए, अब हम फुल फॉलो थ्रू के लिए इसकी एक ही ड्रिल है, वो ड्रिल है ये देखिए, हाई बैक लिफ्ट, हिट और फॉलो थ्रू एक ही एक्शन में। ये हमारे 4 पॉइंट, हाई बैक लिफ्ट, हैंड स्पीड, दोनों शोल्डर की वर्टिकल रोटेशन और फुल फॉलो थ्रू। अगर ये 4 पॉइंट्स आप लर्न कर लेंगे, इनको सही इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, और जब मैच आए या प्रैक्टिस हो वहाँ पहले प्रैक्टिस में शॉट खेलेंगे, मैच में ऑटोमेटिकली आपके शॉट लगने शुरू हो जाएंगे। अगर एक बार आपकी परफेक्शन हो गई तो आप शॉट को बहुत तेज मारने लग जाएंगे और आपके 6 भी लंबे जाएंगे। तेज शॉट का फायदा कहाँ होगा, मान लीजिए आपने बैक टू बॉलर ड्राइव खेला, लॉन्ग ऑफ देखते रह जाएंगे, इतना तेज शॉट होगा कि उनको हिलने का मौका तक नहीं मिलेगा, वो बॉल को पकड़ ही नहीं पाएंगे। 6 तो खैर ग्राउंड के बाहर जाएगा तो उसकी बात ही कुछ और है। मुझे उम्मीद है शॉट को हम तेज कैसे मारें और लंबे 6 कैसे मारें, इस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है इसको लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। वो व्यूअर्स जो मेरी इस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।